दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ईएफटी डोंगल के बारे में कि ईएफटी डोंगल में जो है बहुत ही फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगा। ईएफटी डोंगल आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर साबित होगा क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इस ईएफटी डोंगल में एमआई, ओप्पो, वीवो, नोकिया, शाओमी, ठीक है, एलजी, आसूस, इन सभी का, मोटोरोला का, सभी का फ्लैश फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं ईएफटी डोंगल के साइट से। केवल सैमसंग मोबाइल का ही फ्लैश फाइल नहीं, बाकी सभी कंपनी के मोबाइल का भी जो फ्लैश फाइल आप इस ईएफटी डोंगल के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और दूसरी बात की ईएफटी डोंगल से जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो उस फाइल को आप स्केटर फाइल किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईएफटी डोंगल में आप जो है साइट में जाने के लिए आप यहाँ सपोर्ट में क्लिक करके जो है आप उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्लिक करके आप ईएफटी के साइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका है। तो जैसे मान के चलिए कभी कभी आप क्या होता है कि जब ईएफटी डोंगल को आप इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त भी ये साइट खुल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस साइट पर आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मवेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मवेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एमआई है, ओप्पो है, वीवो है, लेनेवो है, ठीक है, मैक्रोमैक्स का फ्लैश फाइल है, वीवो का फ्लैश फाइल है, ओप्पो का है, नोकिया का है। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास अभी नोकिया मोबाइल है, नोकिया 3, ठीक है, तो नोकिया 3 हमको उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करना था। हम यहाँ पे एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे। एंड्रॉइड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा नोकिया 3 का, तो उसका जो RM है TA1032, ठीक है, तो RM TA1032 पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैश फाइल है, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की पहचान भी आपको यहाँ पे करना होगा कि कौन सा फाइल लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मान के चलिए आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे महीना दिखा रहा है कि कौन सा फाइल किस महीने में आ रहा है, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला फाइल जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसे हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड मैंने कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है और ये कंप्रेसर फाइल था, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये मीडियाटेक मोबाइल है नोकिया 3, तो मीडियाटेक में ये फाइल जो है आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस फाइल को आपको पहले जो है इसे स्केटर फाइल में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको ये फाइल काम करेगा, ठीक है। तो ये फाइल आप कंप्रेसर फाइल को एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे लेकिन आपको स्केटर फाइल इसे बनाना पड़ेगा, तभी ये फाइल काम करेगा। तो स्केटर फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप टूल देख रहे हैं, ये टूल भी आपको जो है इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे एक्सट्रैक्ट करके, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये टूल आपको डाउनलोड करने के लिए आपको फ्लैश फाइल के अंदर में ही मिल जाएगा इसका लिंक, उस लिंक पर क्लिक करते ही साइट खुल जाएगा ईएफटी का, और वहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टूल के माध्यम से आप फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इस टूल के माध्यम से फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो है स्केटर फाइल बन जाएगा, और स्केटर फाइल आप किसी भी टूल से यूज़ कर सकते हैं, एसपी फ्लैश टूल में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूएमटी डोंगल में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डोंगल में आप इस फाइल को जो है आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बिना स्केटर फाइल बनाए हुए आप किसी भी टूल में, खुद ईएफटी टूल में भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ईएफटी डोंगल को ओपन करके, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये फाइल जो है यहाँ पे अब ये शो करेगा, ठीक है। ये फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर में फोल्डर बन चुका है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका फाइल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और ये फाइल मैंने सिलेक्ट किया और ये फाइल यहाँ पे इसमें काम करेगा, ठीक है। तो अब इस फाइल को आप मेडिकल बॉक्स से भी फ्लैश मार सकते हैं, किसी अदर बॉक्स से भी आप फ्लैश मार सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं ये फाइल आ चुका है यहाँ पे, ये फाइल स्केटर फाइल बन चुका है। लेकिन जब तक आप इस फाइल को कन्वर्ट करके स्केटर फाइल नहीं बनेंगे तब तक ये फाइल यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम है, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।